नाले में बदल चुकी बनखंडी हरिपुर सड़क पर कुछ सुधार होने जा रहे हैं। इस सड़क की दुर्दशा लंबे समय से देहरा विधानसभा क्षेत्र की लगभग 30 पंचायतों के लिए आफत बनी हुई थी। इस सड़क पर 3 किलोमीटर की टॉरिंग का ठेका मार्च माह में ही हो गया था और 1 महीने के अंदर इस सड़क का काम पूरा करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाले में बदल चुकी बनखंडी हरिपुर सड़क पर कुछ सुधार होने जा रहा है। इस सड़क की दुर्दशा लंबे समय से देहरा विधानसभा क्षेत्र की लगभग 30 पंचायतों के लिए आफत बनी हुई थी। इस सड़क पर 3 किलोमीटर की टायरिंग का ठेका मार्च माह में ही हो गया था और 1 महीने के अंदर इस सड़क का काम पूरा करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद देहरा भाजपा युवा नेता एवं समाज सेवी सुकृत सागर ने विभाग और ठेकेदार के इस लापरवाही की शिकायत लोक निर्माण विभाग के मुखिया अभियंता से की थी और ठेकेदार को ठेका रद्द करने की मांग की थी, जिसके बाद विभाग ने जल्द कार्रवाई करके और काम शुरू करवाया। सुकृत सागर ने कहा कि हालांकि ये दुर्दशा 7 महीने पहले ही सुधर जानी चाहिए थी, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने बताया कि इस सड़क पर 1 से 2 किलोमीटर, 3 से 4 और 7 से 8 किलोमीटर पर टारिंग होनी है। उन्होंने कहा वे आगे भी जनता के लिए और पानी तथा सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए यूं ही अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आज ये बनखंडी से हरिपुर सड़क का कार्य शुरू हो गया है। मैंने स्वयं 2-3 बार मुख्य अभियंता से इस काम की कंप्लेंट की थी, क्योंकि ये काम समय से शुरू नहीं हो पा रहा था। अब ये काम 7-8 महीने बाद शुरू हुआ है और अच्छा से अभियंता से भी मैंने स्वयं इसकी कंप्लेंट की थी। ये अब यहाँ 3 किलोमीटर का ये टायरिंग होनी है, जो कि आपकी 10-20 और 30-40 किलोमीटर और 70-80 किलोमीटर का ये टायरिंग का काम होना है। चलो देर आए दुरुस्त आए, विभाग का हम फिर भी धन्यवाद करते हैं, ये काम शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री महोदय का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस काम को जल्द शुरू करवाया है और हमारी जो शिकायत थी उस पर उसका समाधान करते हुए ये काम शुरू करवाया है। अब लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी इस सड़क पर, क्योंकि सड़क की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, सारी की सारी सड़क एक खड्ड में तब्दील हो चुकी है। तो अब इस काम को शुरू होने के बाद कुछ ना कुछ लोगों को थोड़ी बहुत राहत जो है मिलना नासिब हुआ है।